प्रीणायम के इस वीडियो में आइए जानते हैं गुड़माल के फायदे, उपयोग व नुकसान। गाइनीमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे हम गुड़माल के नाम से भी जानते हैं, गुड़माल के फायदे बहुत अधिक होते हैं क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक औषधीय पेड़ है जिसके उपयोग सदियों से मधुमेह के उपचार के लिए आयुर्वेद में बड़ी मात्रा में किया जाता है। आइए जानते हैं गुड़माल के फायदों के बारे में। इस आयुर्वेदिक पौधे में कुछ ऐसी एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक क्रियाएं होती हैं जो हमें कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ दिलाने में मदद करती हैं। गुड़माल में हाइपोग्लाइसेमिक क्रिया होती है, जिसका मतलब है कि यह मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। गुड़माल के फायदे फॉर आर्थराइटिस। गुड़माल गठिया जैसी समस्याओं के लिए पारंपरिक उपचार है। गठिया रोग के प्रारंभिक स्तर में यदि गुड़माल का उपयोग किया जाता है तो यह गठिया रोग को विकसित होने से पहले ही रोक देता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया के उपचार में मदद करते हैं। गाइनीमा सिल्वेस्ट्री फॉर एंटी एजिंग। गुड़माल आपकी बढ़ती उम्र को रोकने में बेहद मदद करता है। यह ऑस्मोटिक लेंस को क्षति से बचाने में मदद करता है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़माल कोलाइड के प्रभावों में सुधार भी करने में मदद करता है। गुड़माल के फायदे फॉर स्किन। एंटीबैक्टीरियल गुणों की अच्छी मात्रा गुड़माल की पत्तियों में पाई जाती है, जिनका उपयोग त्वचा विकारों और संक्रमणों से इलाज में किया जाता है। यह त्वचा में ल्यूकोडर्मा के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में जाना जाता है। गुड़माल फॉर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी। गुड़माल के पेड़ भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को हानिकारक किरणों से बचाने का काम करते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षा दिलाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं गुड़माल के कुछ नुकसानों के बारे में। सुरक्षित मात्रा में गुड़माल का सेवन करने पर यह वयस्कों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है उन्हें गुड़माल का सेवन करने से प्रतिक्रिया रिएक्शंस हो सकते हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए इसे सुरक्षित नहीं माना जाता। अधिक मात्रा में गुड़माल का सेवन करने से यह आपके शरीर में कम रक्त शर्करा का कारण बन सकता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के साथ। देखते रहिए प्रीणायम चैनल।